चलिए, गाजियाबाद के बाद बात करते हैं अंबेडकर नगर की, जहां पर बसपा नेता रामचंद्र जायसवाल की हत्या को लेकर अब प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने हत्यारों और हत्या की वजह का खुलासा अभी भले ही ना किया हो, लेकिन पूर्व डीआईजी उदय शंकर जायसवाल ने कहा कि रामचंद्र एक आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में काफी सक्रिय थे, जिन्होंने शिक्षा विभाग और राजस्व संबंधी कई मामलों को लेकर आरटीआई दाखिल की थी, जिसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा था। यही नहीं, सूचना आयोग दोनों तहसीलदारों पर जुर्माना भी लगा चुका है। वहीं शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण के मिलीभगत से लाखों रुपए का घपला हुआ है, जिसके खुलासे के डर से इनकी हत्या की गई है। और अभी जब से ये नई सरकार आई है, तब से जो है ये इनके पक्ष में निर्णय होना शुरू हो गया है। और उसी का परिणाम था कि जब ये लगा कि उसको कि हमारा जो है हम जेल चले जाएंगे, पकड़े जाएंगे, हमारा जो है प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगा, तो उसने इनको जो है देखकर घर में घुस करके मारा है। और दिन दहाड़े जो कि एक एनएसए की कोर्ट में आता है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 5 लोग थे, जिसमें कि 3 नामजद हैं, 2 अज्ञात लोग हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो आरटीआई कार्यकर्ता है, उसकी हत्या हो रही है, ये हम सब के लिए दुखद है। कोई फिर दूसरे की मतलब शिकायत नहीं करेगा, इसलिए